वेलकम टू ऑल टुडे सेशन. आई एम हेयर. नीरू सडोत्रा इज गोइंग टू डील विथ क्लास 12th सब्जेक्ट एजुकेशन चैप्टर 7 दैट इज लर्निंग. इन लास्ट लेक्चर वी हैड कंप्लीटेड द टाइप्स ऑफ लर्निंग. टुडे वी विल स्टार्ट अनदर आस्पेक्ट of this chapter, that is laws of learning. Laws of learning propounded by Thorndike on the basis of various experiments. We can bifurcate his laws into two parts, primary or major laws and secondary or minor laws. Firstly, we will take primary laws. There are three primary laws of learning. Look at picture carefully. And guys, also learn the sequence of primary laws. First law, that is law of readiness or law of motivation. तो इसका sequence याद रखना है. जैसे है पहला लॉ लॉ ऑफ रेडीनेस. और हमेशा लर्निंग तभी होगी अगर बच्चा कुछ भी लर्न करने के लिए रेडी होगा. और जब वो लर्न कर लेगा फिर सेकंड लॉ होता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, कि उस जो भी लर्न किया है उसको लॉन्ग रिटेन रखने के लिए वो जो है एक्सरसाइज करेगा, प्रैक्टिस करेगा उसकी लॉ की. तो वो आ गया लॉ ऑफ एक्सरसाइज. और लॉ ऑफ एक्सरसाइज बाइफर्केट है टू पार्ट्स में, लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज. थर्ड लॉ आ गया लॉ ऑफ इफेक्ट. और जब भी हम उसने कुछ लर्न कर लिया तो प्रैक्टिस में लाया तो कुछ भी हम सीखते हैं तो उसका कोई ना कोई प्रभाव, कोई ना कोई इफेक्ट रहता है. तो वो कौन सा आ जाएगा, थर्ड लॉ, लॉ ऑफ इफेक्ट, जिसको हम लॉ ऑफ प्लेजर और लॉ ऑफ पेन भी बोलते हैं. ठीक है, ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड है. कुछ भी करेंगे उससे यहाँ तो हमें खुशी मिलेगी और यहाँ हमें गम मिलेगा. तो यही लॉ ऑफ इफेक्ट. तो सीक्वेंस में याद रखोगे पहले लॉ ऑफ रेडीनेस, सेकेंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज और थर्ड लॉ ऑफ इफेक्ट. वन बाय वन वी will discuss these laws. Today we take first law, that is law of readiness. तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, law of readiness के बारे में. और law of readiness मैंने आपको बताया उसको law of motivation भी बोला जाता है. तो ये आ गया law of readiness. This law is also known as law of motivation. Woodworth calls it law of mental set. Law of readiness को ही क्या बोला जाता है, law of mental set. According to this law, when we are ready to learn, we learn more quickly. और इन्होंने इसलिए कि अगर हम mentally तैयार हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए, है ना, तो when we are ready to learn, और जब हम ready हैं कुछ भी learn करने के लिए, सीखने के लिए, we learn more quickly, effectively and with greater satisfaction. तो हम वो चीज़ जल्दी और बड़ी प्रभावशाली और बड़ी संतुष्टि के साथ उस चीज़ को learn करेंगे than when we are not ready to learn. On the other hand, अगर हम कोई भी चीज़ learn करने के लिए, सीखने के लिए अगर हम तैयार नहीं हैं, we are not ready to learn. अगर तैयार नहीं है तो हम वो चीज़ ना तो जल्दी लर्न होगी ना ही वो इफेक्टिवली लर्न होगी. सो फॉर लर्निंग एनी एक्टिविटी और टास्क द लर्नर मस्ट बी मेंटली सेट और रेडी. तो कोई भी एक्टिविटी जो उसने लर्न करनी है, कोई भी काम उसने करना है, उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि वो लर्नर जो है मस्ट बी मेंटली सेट और रेडी, कि वो पूरा तैयार हो उसको करने के लिए, रेडी हो. तो ये लॉ ऑफ रेडीनेस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और
टीचर जब भी अपना चैप्टर स्टार्ट करता है तो उसको सबसे पहले उसकी ड्यूटी है कि वो मोटिवेट करे बच्चों को, इस तरह से स्टिमुलेट करे कि बच्चे रेडी हों जो भी वो उनको सिखाना चाह रहा है या पढ़ाना चाह रहा है। तो अगर हम लेसन प्लान की भी बात लें तो लेसन प्लानिंग में जो सबसे पहला स्टेप एक्शन में आता है वो है मोटिवेशन। वहाँ पर टीचर जो है बच्चों को विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन आंसर ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस चैप्टर टू आस्क एंड मोटिवेट फॉर टुडेज लेसन। सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग लॉ। और अगर हम इसको अपनी लाइफ में भी देख लें तो अगर हम कुछ भी सीखने के लिए तैयार हैं तो वो चीज़ हम बहुत जल्दी सीख लेते हैं। तो अब यहाँ पर एजुकेशनल इम्प्लिकेशंस जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि क्या यूजेज है इस लॉ की टीचिंग और लर्निंग में, ठीक है। क्या एजुकेशनल यूजेज, एजुकेशनल इम्प्लिकेशंस मींस एजुकेशनल यूजेज कि एजुकेशनली कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं इस लॉ को लर्निंग और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है। तो ये लॉ जो है इसकी बहुत ही यूजेज है हमारे एजुकेशनल प्रोसेस में। कोई भी हमने अगर एजुकेशनल प्रोसेस को या किसी भी लेसन को इफ़ेक्टिव बनाना है तो सबसे पहले टीचर इसी लॉ को यूज़ करेगा। तो क्यों करेगा, सबसे पहला एजुकेशन इम्प्लिकेशन आ गया मोटिवेशन। अगर टीचर चाहता है कि उसका लेसन, उसकी टीचिंग सक्सेसफुल हो तो उसके लिए उसको पहले किसको मोटिवेट करना पड़ेगा, लर्नर को। तो ध्यान से सुनिएगा, बिफोर टीचिंग ए लेसन चिल्ड्रन शुड बी मेड रेडी टू लर्न ए पर्टिकुलर टास्क सो दैट लर्निंग मे बिकम क्विकर, इजियर, इफेक्टिव एंड परमानेंट। तो टीचर ने जब भी बच्चों को पहले पढ़ाना है तो उसको चाहिए कि पहले वो उनको रेडी करे उस टास्क के लिए, उनको जो है मेंटली सेट करे उस टास्क के लिए। सो मोटिवेशन विच इज़ इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ लर्निंग इज़ बेस्ड ऑन रेडीनेस, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लर्निंग का और बेस्ड, इफ़ द लर्नर इज़ प्रॉपरली मोटिवेटेड ही विल बी रेडी फॉर द वर्क एंड अप्लाई हिज एनर्जीज विगरलेसली, ठीक है। तो अगर लर्नर जो है प्रॉपरली मोटिवेट है तो वो अपनी जितनी भी विग्रेस फॉर्म में जो भी उसकी अपनी एनर्जी है वो पूरी एनर्जी लगा देगा उस काम को सीखने के लिए। तो हैंस द टीचर शुड मोटिवेट द स्टूडेंट्स बिफोर जो है टीचिंग ए लेसन, बिफोर स्टार्ट ए लेसन टीचर मस्ट मोटिवेट द स्टूडेंट। बच्चों को सबसे पहले मोटिवेट करना चाहिए इसलिए ताकि उनका ध्यान कहीं इधर उधर जहाँ भी गया हुआ है वो सारा ध्यान उनका कहाँ पे आ जाए, उस क्लास में आ जाए, टीचर जो कंटेंट मैटर पढ़ा रहा है उसकी तरफ आ जाए। और उसके लिए कौन हेल्प करेगा, मोटिवेशन। तो अगला एजुकेशनल इम्प्लिकेशन आ गई, जब बच्चा मोटिवेट हो जाएगा तो वो मोटिवेशन ही उसको मतलब कि हेल्प करेगी अरोजिंग अटेंशन एंड इंटरेस्ट। द टीचर शुड अरोज द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट बाय आस्किंग सम सूटेबल क्वेश्चन। और टीचर जो है बच्चे की अटेंशन और इंटरेस्ट जो वो पढ़ाने जा रही है उसके लिए वो मतलब कि उसको जगा सकती है किसके द्वारा, विद द हेल्प ऑफ सम सूटेबल क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस जो भी टॉपिक पढ़ाना है उससे रिलेटेड, प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने से, और जब वो बच्चे जवाब देंगे उस क्वेश्चंस का तो उनकी अटेंशन भी और उनका इंटरेस्ट भी उस लेसन की तरफ चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया डिज़ायर फॉर लर्निंग। लर्निंग कैनॉट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ए डिज़ायर एंड इट विल नॉट बी इफेक्टिव इफ़ द स्टूडेंट्स आर नॉट डिजीरियस ऑफ इट।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों में जो एक इच्छा हो उस काम को सीखने की, और अगर वो उनमें वो इच्छा नहीं होगी तो वो काम अच्छी तरह से नहीं सीख पाएंगे। Hence readiness make the students desirous of acquiring new skills। तो मतलब एक जुनून होना चाहिए बच्चों में कि हाँ मैंने ये काम सीखना है, और वो जुनून किससे आएगा, इच्छा से। और वही जो हम बच्चों में readiness लाएंगे उनको उसके लिए, तो वो जो है बच्चों में एक desire पैदा करेगी उस चीज़ को लेने के लिए। अब curiosity is indispensable for learning, curiosity is important for acquiring new knowledge, therefore the teacher should arouse curiosity for learning, in this way the students become more active in learning। अब ये जो है, अब हमने कोई नई चीज़ अगर शुरू करनी है तो वहाँ पर हम बच्चों को उसकी इम्पोर्टेंस बताना शुरू करें कि हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत स्कोरिंग है, बहुत हेल्पफुल है। तो वो एक तरह से ये भी क्या है, बाय दी स्टेटमेंट्स द टीचर मोटिवेट टू द स्टूडेंट, उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ाएगा जो भी उसने कराना है। और एक जिज्ञासा कुछ करने के लिए जो है वो उसको मतलब उस बच्चों में जुनून ला देती है कि हाँ मुझे ये करना है। तो इस और जितना बच्चों में क्यूरियोसिटी होगी उतना ही बच्चे जो हैं मोर एक्टिव होंगे किस में, लर्निंग में। सो आपने ये देखा कि ये लॉ जो है कितना इम्पोर्टेंट है। अगर टीचर की उसकी टीचिंग में एक फर्स्ट स्टेप जो है वो उसके लिए कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है, ये लॉ ऑफ मोटिवेशन। और ये जो हमने चार इसके एजुकेशनल इम्प्लिकेशंस जो हैं पढ़े हैं, तो हम अगर देखें तो पूरी लर्निंग जो है हमारी इफ़ेक्टिव लर्निंग वो इन्हीं में जो है डिपेंड करती है कि पहले बच्चा रेडी होना चाहिए, फिर जब बच्चा रेडी हो जाए पढ़ने के लिए है ना, और वो रेडी तभी होगा जब हमें उस में अटेंशन और उसके इंटरेस्ट को जगाएंगे, और फिर जब इंटरेस्ट भी आएगा इंटेंशन भी आएगा तो उसमें डिज़ायर भी आएगी किसकी, कि हाँ मुझे करना है, और उसको क्यूरियोसिटी भी होगी। तो जब भी आप कोई काम भी शुरू करोगे तो उसके लिए पहले अपना मेंटली प्रिपेयर करना है, अपना मेंटल सेट जो है रखना है उस काम को करने के लिए, तभी उसकी लर्निंग इफ़ेक्टिव होगी। सो इन द एंड वी कैन से दैट इंडिविजुअल्स लर्न बेस्ट व्हेन दे आर फिज़िकली मेंटली एंड इमोशनली रेडी टू लर्न। ठीक है, तो वो जो हैं इंडिविजुअल्स जो है तभी अच्छा और बेस्ट लर्न कर सकते हैं जब वो फिज़िकली मेंटली और इमोशनली हर तरह से उस काम को करने के लिए तैयार हैं। एंड दे डू नॉट लर्न वेल इफ़ देयर नो रीज़न फॉर लर्निंग। और ये कभी भी जो है हम देखें कि जो है बच्चा कभी भी अच्छा नहीं पढ़ सकता अगर उसके पास कोई भी इफ़ेक्टिव और मीनिंगफुल रीज़न नहीं है उसकी लर्निंग करने के लिए। फिर वो नहीं होगा, वो लिंगर ऑन करता जाएगा और उसका इंटरेस्ट ख़त्म होता जाएगा। जहाँ इंटरेस्ट टेंशन ख़त्म हो जाएगी वहाँ डिज़ायर भी ख़त्म हो जाएगी, ना कोई क्यूरियोसिटी रहेगी और ना ही वो वहाँ पर लर्निंग इफ़ेक्टिव आएगी। तो ये थॉर्नडाइक ने सबसे पहला ला, बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ, दैट इज़ लॉ ऑफ रेडीनेस। आई होप आपको ये लॉ समझ आ गया होगा, और जो बहुत ही इजी है, बहुत ही मीनिंगफुल लॉ है, और आप लोग भी अपनी रेगुलर रूटीन में, हम लोग ये चीज़ें देखते हैं कि जहाँ हमारे पास हम कुछ काम करने के लिए तैयार हैं, किसी चीज़ के लिए हमारे पास जुनून है, वो काम हम बड़ी जल्दी और बहुत ही अच्छी तरह कर देते हैं। थैंक यू गाइज़।